कबड्डी 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 दिनेश चल 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 एक मिनट यस सर तुम लोग खेलो खेलो कंटिन्यू एक बार बताओ प्रकाश की जगह कौन सूरज के फिरोज तुम्हारे हिसाब से कौन बेटर प्रकाश खेलेगा लेकिन प्रकाश पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं है लुक कोच मैंने डिसाइड कर लिया है कि प्रकाश ही खेलेगा तुम अकेले डिसाइड करने वाले कौन होते हो तो क्या यहाँ पर सारे फैसले आप ही लोगे मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला नहीं होते हो तुम कैप्टन हो लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इम्पोर्टेंट डिसीजन तुम और मैं दोनों मिलकर लेते हैं तो आज से समझ लीजिए सर कि सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ मैं ही लूंगा अच्छा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है हाँ तो बात खत्म हो जाती तो होने दीजिए खत्म यू आर क्रिएटिंग अ सीन आउट हियर सर एंड आई गॉट टू सॉर्ट दिस आउट राइट नाउ ठाकुर साहब एक सेकंड सर आई नीड टू टॉक टू यू सर प्लीज क्या हुआ सिंह साहब व्हाट हैपेंड दिनेश सर जी अगर ये बंदा टीम का कोच है तो मैं इस गेम में नहीं हूँ एंड यू नो व्हाट सर जी दिस गाय इज फेवरिंग एंड पेट्रनाइजिंग दोस थर्ड ग्रेड प्लेयर्स बदलापुर बॉयज सिंह साहब आप बहुत काबिल इंसान हैं आप क्यों इन पचड़ों में पड़ते हैं मैंने आपको पहले भी हिंट किया था कि दिनेश आपसे खुश नहीं है ठाकुर साहब मैं किसी को खुश करने के लिए गेम नहीं खेलता हूं मैंने कबड्डी के गेम को अपने जीवन के 38 साल दिए हैं मुझे अपना नाम बनाए रखने के लिए ना तो आपकी इस फेमस टीम की जरूरत है और ना ही आपकी जरूरत है मुझे कबड्डी आती है ठाकुर साहब मगर आपको आती है कबड्डी की पॉलिटिक्स और उसकी तिकड़मबाजी जिस खिलाड़ी ने चमचागिरी कर दी वो अंदर आ गया और डिजर्विंग गरीब खिलाड़ी लाइन के बाहर बैठ गया ये किया है आपने सत्यानाश कर दी मिल जाएगा आपको मेरा रिजिग्नेशन